नशा निवारण समिति हमीरपुर की बैठक पुलिस थाना परिसर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त थाना प्रभारी बलदेव सिंह ने की। इस अवसर पर नशा निवारण समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया और नशे के खिलाफ आगामी दिनों में मुहिम चलाकर काम करने के लिए रणनीति तैयार की। नशा निवारण समिति हमीरपुर की बैठक पुलिस थाना परिसर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त थाना प्रभारी बलदेव सिंह ने की। इस अवसर पर नशा निवारण समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया और नशे के खिलाफ आगामी दिनों में मुहिम चलाकर काम करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में पीपीए अध्यक्ष रमेश चंद मौजूद रहे। 18-19 साल को 25 से नीचे वाले के हमारे को बाजार में घूमते रहते हैं। अंकल एक पीछे जी बैठना, उनको इसका हैप्पी बर्थडे, अरे रोज ही हैप्पी बर्थडे तुम्हारा, देखो रोज ही हैप्पी बर्थडे। अच्छा और बच्चों का स्टाइल क्या है, विराट कोहली की तरह दाढ़ी रखी है, बाल खड़े बिल्कुल विराट कोहली की तरह ऐसे बैठे, फिर हमने ताड़ी हो यही नहीं। अतिरिक्त थाना प्रभारी बलदेव सिंह ने बताया कि नशे को दूर करने के लिए योजना बनाई गई है और युवा पीढ़ी नशे की गलत में फंसती जा रही है, इसलिए नशा निवारण समिति के माध्यम से योजना बनाई गई कि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। ताकि जो छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, नशा को दूर करने के लिए जनता में मैसेज जाना चाहिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है ये ज्यादातर नशा यूज कर रही है, तो नशे के दुष्प्रभाव वगैरह जो है बताए गए हैं। नशा जो है वो शरीर को हानि पहुंचाता है और जो हमारी युवा पीढ़ी है ये नशे से दूर रहे, इसी संबंध में एक मीटिंग की गई है और स्कूलों में भी इस बारे में आज लेक्चर दिया गया है और नशे को युवा पीढ़ी से दूर करना है ताकि हिमाचल में कोई भी किसी प्रकार का नशा ना करें लोग और नशा मतलब बुरी चीज़ है, इससे बचे रहें। पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के महासचिव राजीव पुरी ने बताया कि नशा पूरे समाज के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है और इस कारण युवा पीढ़ी बुरी तरह से फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सभी को आगे आने की आवश्यकता है, तभी नशे की कुरीति को खत्म किया जा सकेगा। मेन मुद्दा था वो था नशा निवारण को लेके, ट्रैफिक को लेके तो हमारे कार्य चल रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन जो नशा है ये हमारे लिए पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा युवा बहुत ज़्यादा भटक रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ या अपने सेहत की तरफ ना होने के बजाय नशे की तरफ जाया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं पैसों को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो उल्टी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहा है। तो मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, SPP इसके लिए बहुत सारे काम करने के ऊपर रूपरेखा बना रहा है, पुलिस प्रशासन अकेले क्या करेगा, ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर ही इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैं तो अपने SPP की तरफ से हर अपने यूथ को ये दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके अपने भविष्य को बहुत उज्ज्वल बनाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई के ऊपर काम करें और जो आपके माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप उनको कहीं ना कहीं एक रिटर्न गिफ्ट दें अपने आप को कामयाब बना के। और मैं हाथ जोड़कर हर पेरेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे के साथ थोड़ी इमोशनल बॉन्डिंग को और बढ़ाइए, आप उसके साथ बैठिए, उसको समय दीजिए, उसकी बात को सुनिए, उसको समझिए और कहीं ना कहीं उसको सही रास्ते पे आगे बढ़ाते जाइए। तो ये अकेले का काम नहीं है, SPPA ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस पब्लिक एसोसिएशन है, मतलब जो पुलिस के लिए भी है पब्लिक के लिए भी है, और पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, लेकिन अकेले समाज का ये इतना बड़ा जो हमारा कलंक बनता जा रहा है ये सिर्फ पुलिस और SPP मिलकर नहीं कर पाएगी, पूरे समाज को ही मिलकर इस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज सुरक्षित और खुशहाल हो सकता है।